खबर सामने आ रही है। यूपी से खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश सामने आया है। हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया है। नगर निकाय का नोटिफिकेशन गैर कानूनी। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव होगा। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया। ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव होगा। कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया है। बड़ी खबर आपको निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। नगर विकास का नोटिफिकेशन गैर कानूनी बताया गया है। बता दें, लगातार 4-5 दिनों से सुनवाई हो रही थी, जिसका आज फैसला आया है। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव होगा। सरकार चाहे तो बिना आरक्षण के चुनाव कराए, कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि 3T का पालन करना होगा। बता दें, हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया है। कोर्ट ने कहा है कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए। कोर्ट द्वारा तमाम बातें कही गई हैं, जिसमें संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए, कोर्ट के द्वारा कहा गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस फैसले का आधार बना। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश सामने आया है। हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया है। नगर विकास का नोटिफिकेशन गैर कानूनी बताया गया है। बता दें, कोर्ट ने कहा चुनाव का फैसला सरकार और आयोग करें। ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव होगा। बता दें, नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है। कोर्ट ने कहा नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। बता दें, 7 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया था। चुनाव कब होगा, इसका फैसला सरकार और आयोग करें, कोर्ट द्वारा ये बातें कही गई हैं। जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी, तब चुनाव होगा, कोर्ट द्वारा तमाम बातें कही गई हैं। ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव होगा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, आपको बता दूं, यहां पर सरकार द्वारा 7 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था ओबीसी आरक्षण का, इस पर लेकर लगभग 93 याचिका डाली गई थी। 93 याचिका पर लगातार फैसला तक सुनवाई चल रही थी। 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 6 दिसंबर को यहाँ पर बात की गई थी और सुनवाई के बाद फैसला सुनते रख दिया गया था, जिसमें आज सरकार ने, जबकि हाईकोर्ट छुट्टी है, उसके बावजूद सरकार ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि हम एक अलग व्यवस्था, 27 दिसंबर को फैसला देंगे। उसी फैसले के तहत यहाँ फैसला आया, और बड़ा फैसला यहाँ पर है। और निश्चित रूप से जो फैसला आया है, इस सरकार का थोड़ा घटता है, क्योंकि 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था और इस फैसले के तहत 87 पन्नों का एक फैसला हाईकोर्ट का है,
और इसमें सभी 93 याचिकाओं की सुनवाई की गई है और सरकार को झटका इसलिए मिला है क्योंकि हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता वो रद्द कर दिया। कहा है जब तक ओबीसी आरक्षण के लिए एक कमीशन नहीं बनेगा, एक आयोग नहीं बनेगा, उसका ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा, तब तक आप ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं करा सकते हैं। और अब जो भी ओबीसी आरक्षण वाली सीटें हैं उन सभी सीटों को यहाँ पर जनरल सीटें माना जाएगा और निश्चित सरकार के लिए एक बड़ा एक झटका है और कहीं ना कहीं यात्रा वालों की एक सीट है कि यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को यहाँ पर लागू नहीं किया गया है, सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी जहां जहां ओबीसी आरक्षण की बात कही गई थी। और आप फिलहाल इस पर फैसला चुनाव आयोग करेगा और सरकार करेगी कि चुनाव कब हो। फिलहाल अब चूंकि यहाँ पर फैसला आ चुका हाईकोर्ट का, अब एक नई अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पर चुनाव आयोग फैसला लेगा चुनाव कब होंगे। गौरव, जैसा कहा गया है कि ये सरकार के हाथ में और चुनाव आयोग के हाथ में है कि अब चुनाव कब हो, तो क्या लगता है कब तक तारीखों का ऐलान हो सकता है? देखिए मयूर, इस पर भी संख्या बरकरार है क्योंकि अभी अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, सत्ता के चुनाव की बात करें तो लगभग 36 दिन में चुनाव कराए गए थे और लेकिन इतनी जल्दी चुनाव कराने में दिक्कतें तो आती आती है और सर्दी का समय है, शीतलहर का प्रकोप भी यहाँ पर जारी है और उत्तर भारत में जिस तरह सर्दी पड़ती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर चुनाव की स्थिति खराब रहेगी, चाहे प्रचार की बात करें चाहे वोटिंग की बात करें। तो यहाँ पर सरकार दूसरी तरफ एक तरफ बात हो रही है कि इन्वेस्टर समिट भी अगले महीने फरवरी में होने वाली है, अगले महीने के बाद तो उसकी तैयारियां भी होगी। बड़ी समिट है, यूपी सरकार ने 10,00,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है, उसके लिए लगातार कार्यशैली चल रही है, व्यवस्थाएं चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है। तो और इसके बाद बात करें तो फरवरी के बाद बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत भी हो जाती है, सीबीएसई आईसीएसई और यूपी बोर्ड की। तो कहीं ना कहीं आप नीचे दर्शाई जा सकते हैं कि चुनाव मार्च के बाद हो सकता है। फिलहाल सरकार और चुनाव आयोग के हाथ में है, चुनाव कब कराते हैं, जैसा की पहले भी हमने देखा है चुनाव आयोग ने मारे 36 दिन में चुनाव कराने, तो जब तक चुनाव आयोग यहाँ पर बड़ा फैसला ले और दिसंबर शुरुआत में यहाँ पर कोई आदेश या जारी करके यहाँ पर फरवरी पहले वीक तक है, फरवरी प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह तक यहाँ पर चुनाव करा ले, पर फिलहाल उम्मीद कम है क्योंकि तैयारियां भी होती है, मंथन भी होता है, बड़ा चुनाव है, निकाय 760 निकाय चुनाव है, वहां पर निकाय में चुनाव होना है, 3,500 सीटें हैं, निकाय की सीटें नगर पालिका की सीटें हैं, तो वहां पर इतनी जल्दी मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा अगर हो सकता है कि चुनाव मार्च के बाद हो। फिलहाल स्थिति ये लग रही है और बाकी चुनाव आयोग सरकार फैसला करेगी, हाईकोर्ट ने कहा सरकार और चुनाव आयोग समझे चुनाव कब कराना है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश सामने आया है। हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया है। बता दें हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर की है। यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया है। नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है। कोर्ट ने कहा नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। 7 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। चुनाव कब होगा इसका फैसला सरकार और आयोग करें, कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने तमाम बातें कही हैं, जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा, कोर्ट द्वारा बातें कही गई हैं। यूपी सरकार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा है। बता दें पहले 3T फॉर्मूला अपनाए सरकार, हाई कोर्ट ने कहा है सरकार चाहे तो बिना आरक्षण के चुनाव कराए, कोर्ट द्वारा बातें कही गई हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव होगा। कोर्ट ने कहा है संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए, कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए। हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया है। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश सामने आया है।
हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया है। नगर विकास का नोटिफिकेशन गैर कानूनी बताया गया है। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव होगा। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश, नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए भाई, ये थोड़ा जल्दी होगा इसके बारे में कहना जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, उन्होंने कड़ाई से आरक्षण नियमों का पालन किया है। सरकार की नियत कभी नहीं रही कि विषयों को, अनुसूचित को, आदिवासी को या सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को आरक्षण की व्यवस्था से वंचित रखा जाए। जो भी जिसके नियत भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसकी प्रावधि करी है, उसके अनुसार सरकार इसका निर्णय लेगी। मैं यही कह सकता हूं कि निश्चित रूप में जो सरकार का अभी तक का आचरण रहा है वो सबके आरक्षण को सुरक्षित करने का रहा है। सरकार ने हमेशा न्यायालय का भी सम्मान किया है, लेकिन अगर कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो सरकार के सामने तमाम ऑप्शन और भी आगे खुले हैं और सरकार उनके बारे में जो भी निर्णय लेगी, लेकिन किसी भी एक भी जो जगह है वहां पर पिछड़ों को आरक्षण से वंचित नहीं करेगी, सामान्य को आरक्षण से वंचित नहीं करेगी और अनुसूचित को आरक्षण की व्यवस्था जो संवैधानिक है उससे वंचित नहीं करेगी। विधि विशेषज्ञ से परामर्श लेने के बाद इस पर निर्णय करेगी। सर क्या अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? नहीं, मैंने कहा ना कि अभी विधिक विश्लेषण के बाद सरकार इन पर निर्णय लेगी। अगर कहीं से कोई बाधा आ रही होगी कि इसमें आरक्षण व्यवस्था में कोई वर्ग, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो अनुसूचित या सामान्य वर्ग हो, अगर कोई वंचित हो रहा होगा तो सरकार निश्चित रूप में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका रास्ता अपनाएगी, लेकिन विधि के अनुसार व्यवस्था को नष्ट नहीं होने देगी। हेलो सर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि T3 का पालन करना होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैंने कहा कि सरकार इस प्रकार की रही है, जो न्यायालयों के आदेश रहे उनका पालन करती आई है। जो भी न्यायालय का भविष्य में आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि अभी निर्णय आया है, अभी इसका विधिक परीक्षण होगा और विधिक परीक्षण के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी। सर कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव कराने का जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, तो क्या लगता है तारीखों का ऐलान कब तक हो सकता है? आपने मेरे पहले प्रश्न को नहीं विश्लेषित किया। मेरा कहना है कि जो भी निर्णय आया है जिसका सरकार अपने विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराएगी और परीक्षण के बाद ही कोई चीज में पहुंचेगी, लेकिन सरकार का एक स्टैंड क्लियर है कि जो भी प्रक्रिया सरकार अपनाएगी उसमें किसी प्रकार का पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित वर्ग या सामान्य वर्ग का आरक्षण में जो प्रदत्त उनका अधिकार है उससे उसे वंचित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।